नमस्कार, होम कुक माही में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर दो प्याज़ा। तो आइए हम पनीर दो प्याज़ा की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। पनीर दो प्याज़ा बनाने के लिए यहाँ मैंने दो मीडियम साइज़ का प्याज और दो टमाटर लिया है। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में पानी डालेंगे, या आप कोई पैन ले लें उसमें पानी डालेंगे और सब्जियों को उबलने को छोड़ देंगे। यहाँ देखिए हमारा प्याज और टमाटर जो है वो उबल चुका है। हमें प्याज को सिर्फ थोड़ा ट्रांसपेरेंट होने तक ही पकाना है। अगर तब तक आपका टमाटर नहीं पकता है तो आप उसे थोड़ी देर तक और पका लें, लेकिन यहाँ मेरा टमाटर पक गया है तो मैं इसे भी निकाल लेती हूँ। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि टमाटर का जो है वो छिलका उतार करके हम इसे चाकू से ऐसे इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। उससे क्या होगा कि टमाटर जल्दी ठंडा हो जाएगा। और ये जो पानी है ये हम ग्रेवी में यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ मैंने टमाटर के छोटे पीसेस कर दिए हैं, साथ ही मैंने प्याज को भी उसके एक एक स्लाइसेस अलग कर लिए हैं। यहाँ मैंने कढ़ाई गरम कर लिया है। अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे और सबसे पहले हम पनीर फ्राई करके तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने पनीर के पीसेस कट करके रखे हैं। हम सबसे पहले इन्हें तेल में डाल देंगे और इन्हें हल्का ब्राउन होने तक हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ देखिए हमारी पनीर जो है वो दोनों साइड से ब्राउन हो चुकी है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। सेम प्रोसेस से हम प्याज को भी एक बार तेल में हल्का फ्राई कर लेंगे। उससे क्या है कि हमारी जो ग्रेवी है उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। हमें प्याज को बिल्कुल भी लाल नहीं करना है, बस एक मिनट के लिए हमें उसे तेल में डाल करके हल्का सा फ्राई कर लेना है। तो यहाँ हमारा प्याज जो है वो हल्का फ्राई हो चुका है, हम इसे भी निकाल लेते हैं। वापस से सेम पैन में मैं खड़े मसाले डालूँगी। उसमें मैंने जीरा, तेज़पत्ता, एक साबुत लाल मिर्च, दालचीनी का 1 इंच का टुकड़ा, 2 लौंग, 1 बड़ी इलायची और 6 से 7 काली मिर्च के दाने लिए हैं। हम इन मसालों को 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें बारीक कटे हुए प्याज डाल देंगे और हम प्याज को भी फ्राई कर लेंगे। इधर जब तक हमारा प्याज जो है वो फ्राई हो रहा है, तब तक हमने जो टमाटर के पीसेस कट करके रखे थे वो, और साथ ही काजू जो है उसका हम पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। इधर देखिए हमारा प्याज भी फ्राई हो गया और हमारा पेस्ट भी तैयार है। तो अब हम इसे डाल देंगे। जो हमने पेस्ट बना के रखा है, टमाटर ऑलरेडी हमारा पका हुआ था तो हमें इसे बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहीं पर मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है और अब अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ हम इसे ढक करके 2 मिनट तक पकाएंगे। यहाँ 2 मिनट हो गया, अच्छे तरीके से अदरक लहसुन पक गया है और टमाटर भी और अच्छे से पक गया है, इसकी बहुत अच्छी महक आ रही है। अब हम इसमें यहाँ पर कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो उससे पहले मैंने गैस का फ्लेम लो किया। यहाँ पर मसालों में मैंने गरम मसाला, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर ऐड किया है और हम इसे भी अच्छे तरीके से मिला लेंगे। मसालों को भी हम 1 मिनट के लिए ढक करके पकाएंगे। इससे क्या है, मसालों का जो फ्लेवर है हमारा बहुत ही उभर करके आएगा। तो यहाँ मैं ढक देती हूँ। 1 मिनट हो गए हैं, हमारे मसाले पक गए, तो इसे एक बार हम चला लेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैं कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच ऐड कर रही हूँ। ये तीखी नहीं होती, बस इसका जो कलर है बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ मैंने मिक्स किया और अब हम जो पानी रखे थे ना वो हम इसमें ऐड कर देंगे और मसालों के साथ अच्छे से इसे मिला लेंगे। तो पानी भी हमारा पका हुआ ही था, उससे भी बहुत ज़्यादा तो पकाने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन हाँ फिर भी हम उसे मसालों के साथ में 5 मिनट तक पकाएंगे। साथ ही जितना भी साइड में मसाला लगा हुआ है आप उसे स्पैचुला से अच्छे तरीके से बीच में कर लें, बिल्कुल भी वेस्ट होने ना दें। और यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्च कट करके रखी थी, वो भी ऐड कर देंगे। और उसके बाद हम इसे कवर करके 5 मिनट तक पका लेंगे। 5 मिनट के बाद हम ढक्कन हटाएंगे और ये देखिए हमारा जो ग्रेवी है वो पहले से थोड़ा डार्क हो गया है। तो यहाँ हमने फ्राई करा हुआ जो प्याज और पनीर था वो ऐड कर दिया।
और वापस से इसे ढक करके हम 10 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर पकने देंगे। और 10 मिनट बाद आप देख सकते हैं हमारी ग्रेवी जो है वो बिल्कुल बनकर के तैयार है। तो लास्ट में मैं इसमें एक चम्मच फ्रेश क्रीम ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप दूध की मलाई भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं कसूरी मेथी डालूँगी। कसूरी मेथी डालने के बाद हम इसे मिक्स करके ढक करके 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। और ये लीजिए, 2 मिनट के बाद हमारा सुपर टेस्टी पनीर दो प्याज़ा बिल्कुल बनकर के तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और हमें बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियोस के नए अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।